हुई है लड़की वाला घटना तो क्या हुआ है? लड़की के 5 महीने का गर्भवती रहे। अच्छा, ऐसा ऐसा घटना 10 दिन पहले हुआ है, 2-4 दिन पहले हम सबको मालूम हुआ है, काना कानी होते होते हम सबको मालूम हुआ। लड़की का हालत कैसा है अभी? बहुत गंभीर में है, रास्ते से खाली खून चढ़ रहा है। आपका पता का एड्रेस क्या है? एड्रेस तो हुआ माधोपुर सुल्तानपुर, मेरा मकान है। माधोपुर सुल्तानपुर मकान हुआ? हाँ, सतपुर थाना मेरा घर का ये थाना है। लड़की अभी है कहाँ भर्ती? ललिता हॉस्पिटल में है, सैदपुर में। हाँ, और थाना में आप लोग दिए थे आवेदन? हाँ, आवेदन दिए रहे, आवेदन न दे रहे, पुलिस दरोगा गए रहे। आवेदन क्यों नहीं दिए? कोई भी कार्रवाई आवेदन के बाद होता है। कल आए देवे, लड़की एकदम बेहोश हो गई, बस हम लड़की को लेके हम हॉस्पिटल भाग गए। अच्छा, तो पहले आप लोग आवेदन अभी तक नहीं दिए? ना, आप लोग पहले आवेदन दीजिए, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। आप इसके इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? हम तो, मुझे मालूम पड़ा, मैं मुंबई था और मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारे बहन के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने 4 दिन पहले इधर आया और उनसे पूछपाछ किया, अपने बहन से, तो वो ऐसे ऐसे बता रही है। अच्छा, तो लड़की का हालत कैसा है अभी? अभी बहुत ही सीरियस है। लड़की का प्रेम प्रसंग था या जबरदस्ती किया गया? जबरदस्ती किया गया। लड़की किसी को बताई नहीं थी समय पर? नहीं, समय पर नहीं बताई है। उसको दवाई कौन खिलाया है? दवाई खिलाया जासिम नाम का आदमी थे। अच्छा। और साई नाम की औरत थी। अच्छा, उसके बाद उसका हालत ख़राब हो गया? उसके बाद उसका हालत ख़राब हुआ, फिर हम लोग को मालूम पड़ा। इलाज कहाँ कहाँ कराए हो? इलाज मेडिकल में कराए, मेरे गांव के लोग गए थे, ये पहले सरकारी हॉस्पिटल रात के 12 बजे करीब या 11 बजे करीब थे, वो गए थे सतपुर सरकारी हॉस्पिटल, तो उसमें से रेफर कर दिए थे। अच्छा। और उसके बाद मुजफ्फरपुर लेके गए थे और मुजफ्फरपुर में भी वही रेफर ही बोल रहे थे, मेरे से नहीं होगा। फिर धर्मशाला गए थे, फिर धर्मशाला से फिर वापस आ गए। उसके बाद फिर एक आधा अच्छा, तो उसको अभी सैदपुर में है, उसका हालत कैसा है? बहुत ही सीरियस है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, जो मेरे बहन के साथ में ऐसा किया है और वो भोगता भोगते, उसके लिए आपको तो थाना में आवेदन देना होगा। हम आवेदन देने जा रहे हैं, आवेदन देने जा रहे हैं। 112 को कॉल किए थे? जी जी, 112 आए हुए थे। वो क्या बोले? वो बोले हैं कि ऐसा है तो फिर आप पहले मेरे थाने पे आइए और आवेदन दीजिए, फिर हम करेंगे सुनवाई। तो उसने आवेदन देने के लिए बोला, आप लोगों ने आवेदन देने में लेट क्यों कर रहे हैं? हम लोग लेट कर रहे हैं क्यों, ताकि हम लोग को फिर आगे से मुझे सिर्फ बोला गया कि तुम केस करोगे तो मैं भी केस करूंगा। वो किस बुनियाद पे केस करेगा? वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बहन के पेट में जो बच्चा था वो किधर गया। हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ, जब बच्चा था तो वो तो दवाई से गला दिया गया। अभी ना गला है, हमने सबका तो मालूम ना करा ना, दवाई से गला दिया गया, तो फिर बच्चा साबूत कैसे रहेगा? तो बच्चा को तो हम ना खोजेंगे कि बच्चा को ऐसा काम का है करा, वो तो मेडिकल में पता लग जाएगा। उसके ना मेडिकल में पता है, उसके दिन में कुछ ना है, बच्चे का जो सीरियस जो ब्लड गिर रहा था, ब्लड से तो पूरा निकल गया, तो फिर मेडिकल कराने से क्या पता मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो आप लोग थाना में जा रहे हैं? जी ठीक है, थाना में जाके जाइए, आवेदन दीजिए, उसके बाद ही कार्रवाई आगे किया जाएगा।